नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर रामा मंडी फ्लाईओवर के नीचे उतरते हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को मारी टक्कर, हुई मौत। जालंधर के सैदा गेट में चोरों ने एक रात में 5 दुकानों को बनाया निशाना, लाखों रुपयों का सामान व नकदी चोरी कर हुए फरार। मोगा में नशे की ओवरडोज से एक युवक की हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने शव को मोगा बरनाला हाईवे पर रखकर किया प्रदर्शन। अब हलचल विस्तार से। जालंधर में गत रात्रि रामा मंडी फ्लाईओवर से नीचे उतरते हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सड़क के बीच में पड़े शव के ऊपर से वाहन गुजरते रहे, जिससे शव की हालत बेहद खराब हो गई। तो वहीं बड़े वाहन शव के हिस्सों को दूर तक घसीटते हुए ले गए, जिससे सिर भी धड़ से अलग हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त युवक सड़क पार कर रहा था कि तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह उछलकर दूर जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इस बीच पीछे से आ रहे दूसरे वाहन भी उसके ऊपर से गुजरते रहे। तो वहीं देर रात तक घटनास्थल पर ना तो एम्बुलेंस पहुंची और ना ही पुलिस। बाद में किसी राहगीर ने शव के ऊपर कपड़ा डाला और वहां से निकल रहे वाहनों को दूसरी तरफ से निकलवाया। लोगों ने दोनों तरफ से सड़क बंद कर दी, जिससे भारी जाम लग गया। ये घटना रात करीब 10:30 बजे हुई और 11:30 बजे तक कोई पुलिस वाला या एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची थी, जबकि लोगों ने घटना के तुरंत बाद एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कर दिया था, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क के दोनों ओर बैठकर रास्ता जाम कर दिया, जिससे दूर तक वाहनों की कतारें लग गई। लोगों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पीसीआर टीमें और थाना कैंट की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ? 20 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲ ਪੀ ਯੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਗਾੜੀ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ 8-10 ਜਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੀ ਏ ਪੀ ਰੋਡ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। जालंधर के सैदा गेट में चोरों ने एक ही रात में 5 दुकानों को निशाना बनाया। इस दौरान चोर सुबह 5:30 बजे के करीब दुकानों के ताले तोड़कर अंदर घुसे और वहां पड़ा लाखों रुपयों का सामान और नकदी चोरी कर फरार हो गए। इस घटना को अंजाम देने वाले चोर वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गए। चोर एसयूवी गाड़ी में सवार होकर आए थे और उनके हाथों में हथियार भी थे। चोरों ने सैदा गेट से माई हीरा गेट के बीच 2 कपड़े की दुकान, 1 कपड़े का शोरूम और 1 मनी एक्सचेंज की दुकान में चोरी की। तो वहीं दुकान मालिकों को चोरी की घटना के बारे में तब पता चला जब वे सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे और दुकान के ताले व शटर टूटे देखकर उनके पांव तले से जमीन खिसक गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। 5 दुकानों में हुई चोरी का हिसाब किताब जोड़ा जा रहा है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि दुकानों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है और इन्हें खंगाल कर चोरों का पता लगाया जा रहा है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अजी मैंने सवेरे फोन आया शहरी भाजी उन्होंने, ठीक है ना, कि इधर इधर की वारदात हुई दुकान के बाहर, तो असं उस वे आए हैं ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ।
मोगा में चिट्टे की ओवरडोज से एक और नौजवान की मौत हो गई। कोटकपुरा बाईपास के नजदीक प्लाट में उक्त नौजवान की लाश मिली है। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अमनदीप सिंह निवासी गांव बुग्गीपुरा जिला मोगा के तौर पर हुई है। मृतक अमनदीप अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, तो वहीं पारिवारिक सदस्यों और गाँव वासियों ने मोगा बरनाला हाईवे पर लाश को रखकर धरना लगा दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उन्हें विश्वास दिलाकर इस धरने को उठवाया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ने बताया कि लाश को मोगा के सिविल अस्पताल में भेजा जा रहा है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। मोगा से हलचल के लिए निशी मनचंदा की रिपोर्ट। साढ़े तो भरा का घर पटता रब ने हाए चिट्टे वाले पेंट दे लई फरदे सी नाल नहीं सी खेड़ा छड़दे दुश्मन ने नहीं खेड़ा छड़िया साढ़ा तो घर उजड़ गया वीरे ठीक है ना जी। इतने हजे भी चिट्टा वेखदा भाई वेखदा लेके आउंदे आ लोकी जी। असीं तो यही कहने भी साडा घर उजड़िया होर किसी का घर ना उजड़े वीर। मुंडे दा नाम नहीं पता जी, फोन ते फड़ा के आंदा जी। नहीं पता जी, रात मैं भी इतने प्यार रहा, ये भी इतने प्यार रहा। मैं 5:30 बजे उठ के गया जी। नहीं मैं तो जो सुबह उठा मैं क्या बजरी कदों चुभी जाती है जी, उदो पता लगे जी जो लिया। हाँ जी हाँ जी। तू छड़ के भज गया? नहीं नहीं भजया नहीं जी, मैं घरदे नूं लैण गया जी, भजया नहीं घरों घरदे नूं लैके, इन्हां दे घरदे नूं लैके फिर इतने आए जी। ये पिंड वाले का कहना बाकी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, पोस्टमार्टम मुताबिक जो वारसा के बयान मुताबिक जो बनती कार्रवाई। अमृतसर के झबाल रोड पर ग्रैंड सिटी कॉलोनी में एक विवाहिता वकील लड़की द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान हीना के तौर पर हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि मृतका की उम्र 28 वर्ष के करीब है और उसकी एक छोटी बच्ची भी है। उन्होंने बताया कि ससुर परिवार से तंग आकर इस लड़की ने खुदकुशी की है। फिलहाल उन्होंने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की सुसाइड रिपोर्ट हुई थी। लड़की है हिना नाम, 28 साल की एज है तकरीबन। उन्होंने सुसाइड कर लिया, संबंध च आए थे। कुछ पता लगे कि सुसाइड का कारण? सौर ने दस रहे कोई अनबन चल रही थी। सर मैरिड थी है? हाँ मैरिड नहीं। सर वकील दसे जा रहे ने? हाँ वकील ने जी। कोई सुसाइड नोट मिले हो या कोई? भला सर्च कर रहे हैं जी, कोई देख दें। जालंधर के आदमपुर के गांव चोमो में सरेआम भारी मात्रा में 500-500 रुपए में गाय का मांस बिक रहा है। इस मामले को लेकर जब आदमपुर गौशाला के कर्मी मीडिया को लेकर गांव में पहुंचे तो वहां पर पाया गया कि लोग घरों में गाय का मांस बना रहे थे। जब गांव में महिला से पूछताछ की गई कि वह कहां से खरीद कर लेकर आते हैं, तो उन्होंने इस मामले में किसी का नाम बताने से गुरेज किया, जिसके बाद गौशाला के कर्मी भड़क गए और उन्होंने घटना संबंधी पुलिस को सूचित किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने गांव चोमो का बुरा हाल किया हुआ है, यहां सरेआम गाय का मांस पकाया जा रहा है। सख्ती से पूछताछ में पता चला कि गांव में 500 रुपए में गाय का मांस मिलता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त गांव में देर रात गाय की हत्या कर उसका मांस पकाया गया, जिसके बाद एक व्यक्ति से सख्ती से पूछताछ भी की गई, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इस मामले में गौशाला के कर्मियों में काफी रोष पाया गया और उन्होंने घटना को लेकर स्थानीय SHO को जानकारी दी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सूचना मिली सूचना भी उत्थे चोमो दे विच गां वट के जिदा उत्थे काम करदे हुए काफ़ी देर तो। अच्छा जी। तो अज इनफोरमेशन दे असीं गए हां ते दो घरां दे विच बरामद होया ते गौ मास बनाउंदे पए सी, एक बंदा भज गया। अच्छा जी। ते फिर श्योर हो गया भी गौ मास ही है ते पुछया भी ओह मन नहीं रहा है ना जिहड़ा एक फैमिली सी। एक इनफोरमेशन सानूं मिली सी पिंड आदमपुर चोमो पिंड दे विच कोई गौ मास पका रहे हैं बना के,
ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸ ਟੀ ਓ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਮੇਤ ਗਊ ਮਾਸ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਥਾਣਾ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 295 ਏ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਕੌਸਲ ਆਰਡਰ ਐਕਟ 153 ਏ ਆਈ ਪੀ ਸੀ 429 ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਮੇ ਕੂੜੇ ਕੇ ਢੇਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਦੇਖਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜ ਗਈ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਓ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਆ ਤੋ ਵਹੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕੜੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਗ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਆਗਜਨੀ ਮੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਉਹਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਥੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਮੇ ਆਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੇ ਸਾਥ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਆਗ ਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਝੂੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਅਗ੍ਰਣੀ ਯਾਤਰਾ ਔਰ ਪ੍ਰਯਟਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਟ ਨੇ ਸਭੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੋਂ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰੋਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਯਟਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟੋਂ ਔਰ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰੋਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਓਂ ਮੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦੋਂ ਕਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ इस अवसर पर राजस्थान पर्यटन के उप निदेशक अजीत सिंह ने कहा कि पंजाब के बाजार में राजस्थान पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान अमृतसर में इंडिया ट्रैवल मार्ट के साथ भाग ले रहा है पंजाब का बाजार बहुत बड़ा है और वह अमृतसर लुधियाना बठिंडा मोहाली चंडीगढ़ जैसे शहरों से पंजाब के लोगों का अपने राज्य में स्वागत करने के लिए तैयार है इस अवसर पर तमिलनाडु पर्यटन अधिकारी गजेंद्र कुमार ने बताया कि तमिलनाडु में मंदिरों हिल स्टेशनों समुद्र तटों वन और वन्य जीवन विरासत स्मारकों एवं ऐतिहासिक स्थानों जैसे कई पर्यटक आकर्षण हैं तमिलनाडु भारत में घरेलू पर्यटक यात्राओं में पहले स्थान पर है और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं में दूसरे स्थान पर है इस मौके पर ICM ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय गुप्ता ने बताया कि देश में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास और किफायती अवकाश पैकेजों के साथ अधिक डिस्पोजेबल आय की उपलब्धता के साथ भारत में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है और इसे आगे बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट आज का इवेंट ITM is a very wonderful one. We are proud to be participating in this holy place Amritsar, where we have a golden temple yet to Tamil Nadu mein kya kya cheez hai dikhne ke liye jo sir Tamil Nadu mein se shuru kare to wahan se Mahabalipuram hai Mahabalipuram se Chidambaram Chidambaram se Tiruchirappalli Tiruchirappalli Rameshwaram Kanyakumari Madurai और कोडैकनल से वापस हमारा 8 डेज टूर पैकेज में ऑल इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हम कवर करते हैं कितना पैकेज है टूर का हमारा 25 पैकेजेस हमारा है तमिलनाडु में एक हाफ डे से 14 डेज तक हमें 15 साल में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हर साल कुछ ना कुछ नया यहाँ पर हमें मिलता है जैसे कि पहले इतना एयरपोर्ट में फ्लाइटें नहीं थी कुछ सेक्टर्स में नहीं थी पर हम देखते हैं कि अब हर साल कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट है अब जैसे मलेशिया की भी फ्लाइट शुरू हो रही है यहाँ से तो इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक टूरिज्म दोनों को बढ़ावा मिल रहा है अमृतसर सिटीज में और पिछले कई वर्षों से बसों का इंतजार कर रहा है दिड़बा का बस स्टैंड
यहां पर बसों की जगह बजरी और रेत के ढेर लगाकर बस स्टैंड पर कब्जा किया हुआ है। तो वहीं शहरवासियों की समस्या ये है कि बसें शहर के मेन चौक पर रुकती हैं, जहां पर स्कूली बच्चे और राहगीर बड़ी संख्या में जमा हो जाते हैं, जिस कारण यहां कोई बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। इसलिए शहर के समाज सेवी और स्थानीय लोगों ने मांग की है कि अगर बस स्टैंड में ही बसें रुकें तो कोई जानी नुकसान नहीं होगा और बाजार में भी भीड़ जमा नहीं होगी। गौरतलब रहे कि नगर पंचायत कमेटी द्वारा मेन चौक पर ही बसों की एंट्री फीस ली जाती है। वहीं जब इस संबंध में बसों के ड्राइवरों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे पर्ची कटवाते हैं लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती, ना ही पानी का प्रबंध है और ना ही शौचालय का, फिर भी वे पैसे देते हैं और बाजार के रास्ते में बसें रुकने के कारण हादसा होने का डर भी बना रहता है। वहीं जब इस संबंध में दिड़वा नगर पंचायत कमेटी के ईओ चंदन प्रकाश वधवा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित विभाग को लिखकर भी भेजा है, बस स्टैंड पर कब्जा करने की जो बात की जा रही है वहां कुछ ठेकेदारों और अज्ञात लोगों ने रेत बजरी गिरा रखी है जो जल्द उठा दी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। जब रेत बजरी गिराने वाले ठेकेदार से कमेटी के अधिकारी लखबीर सिंह ने फोन पर बात की तो ठेकेदार ने कहा कि जो कार्रवाई करनी है कर ले। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। टाइम दा हालात ने बहुत बुरे हालात ने जी, लोगों ने भज-भज बस चढ़ना पैंदा है, बस कदे कदे रुक जांदे कदे कदे रुक जांदे, मतलब जिहड़ी लेडी सवारी है उनका बस सरकारी बस देख के दूरी रोक लाते हैं, बुरे लेडी सवारी खड़ी है उन्होंने कुछ चढ़ाऊंगा नहीं, भज-भज के सवारियां चढ़ते हैं, कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लोग डरते हैं बस चढ़न लगे, यही बस बस स्टैंड उत्ते खड़े तो उत्थे लोग बस स्टैंड के अंदर जाए बस तो लोग सही चढ़ना उत्थे का जोड़ा बस स्टैंड बनया हो नशेड़ियों ने कब्जा कर लिया, डंगर का कब्जा है तो भू माफिया का कब्जा है, बस स्टैंड हालात देखो वह तो लोग जितने गंद कर जाते हैं वह हालात भी नहीं है जितने बस स्टैंड हो गए। वो सर पिछली बार 12,01,500 च होया सी जी, तो उस ठेके दौरान जी चलते हुए कोविड का दौर आ गया जी, कोविड करके जी ठेकेदार घाटा पै गया जिदे करके उस सरकार तो मतलब अपरूवल लेके उन्होंने रिलैक्सेशन तो दी गई जी, पर वो पिछले ठेके तो घट लैन तैयार से। पिछली बार होया 12,01,500 यह महावीर कुमार सी जी दिलवे की पार्टी सी जी, इस बार असं 3 बार बोली रख चुके जी, तो सरकार की हदायत अनुसार आप पिछले ठेके तो घट दे नहीं सकते जी, घटाने वास्ते अपने नगर पंचायत हाउस के मता पा के भेजा हुआ है जी जिंद तक अपरूवल नहीं आई जी। वैसे वित्त मुलाजम साढ़े अड्डा इंचार्ज जरा सा अड्डे जरा दिता है कारोबार वो साढ़े लखबीर सिंह कलर्क जी ने बड़े सरगर्म ने, वैसे तो वो मैं कई बार देखे भी ने, एक बार लड़न भी लग रहे थे उत्तर ट्रकों मेरे सामने भी उन्होंने ट्रैक्टर ट्रक मोड़िया, चलो मैं करके उन्होंने मिल के वो लगभग तो हथ दड़ के मिलेगा नहीं, वो बिल्कुल होनी चाहिए, मैं तो कहना जो कोई रेहड़ी वाले आप हटा सकते हैं उन्होंने कहना हटा नहीं सकते, तो एडा बस अड्डा पैसे लग के उत्थे एक कब्जा करी बैठे वो गटके वाला जै रेते वाला रेडमंड का, मैं थोड़े ध्यान से लिया थी, मैं यूसुफ दे ध्यान ला के जो कलर्क लखबीर सिंह जी उस ध्यान से लिया के। अमृतसर में NRI और लोगों को किसी समागम में जाने के लिए OVO कैब्स ने किराए पर कारों को देने की सर्विस शुरू की है। इस अवसर पर OVO कैब्स के हरमिंदर सिंह ने बताया कि OVO कैब्स में उनके पास बहुत सी महंगी गाड़ियां हैं जो वे लोगों को किराए पर बिना ड्राइवर और ड्राइवर के साथ भी देते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश से आए NRI और स्थानीय लोग जिन्हें थोड़े समय के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है उन्हें काफ़ी मुश्किल होती थी, वे पहले कार खरीद लेते थे और वापस जाने पर उन्हें कार घाटे में बेचनी पड़ती थी। उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए OVO ने कार रेंट की सर्विस शुरू की है जिससे अब उन्हें कार खरीदने और बेचने की कोई परेशानी नहीं होगी और वे अब ये कारें रेंट पर उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गड्डियां साढ़े को रेंटल कार्स ने, सेल्फ ड्रिवन कार ने, अपना बिना ड्राइवर तो अभी गड्डी दे दें रेंट पर, सिक्योरिटी छोटी जी अपना डिपेंड करता है किस तरह है कार जी, छोटी गड्डी है 5 सीटर का है 5,000 रुपया, वड्डी 20,000, 30,000, 50,000 तक भी सिक्योरिटी डिपॉजिट चला जाता है। ऑलमोस्ट तो जेडे NRI ने उन्होंने वास्ते ही यूजेबल सर्विस है,
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜਾਂ ਬੋਂਬੇ, ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਰ ਰੈਂਟ 'ਤੇ। ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਨਲਸ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਓਵੋ ਕੈਬਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਓਵੋ ਕੈਬਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਂਡਲ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵੋ ਕੈਬਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀ ਓਵੋ ਕੈਬਸ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, NRI ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਢ ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਲੈਣ, ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਾ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 1500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 20,000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਓਂ ਕੇ ਹੱਲ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਓਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲੇ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੱਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਮੇਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਂ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਓਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੁਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਆ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਹੇਤੂ 19 ਕਰੋੜ ਕਾ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਮੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਂ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀ ਸੜਕੋਂ ਕਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਾਈਡ ਪਰ ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਈਲੇਂ ਲਗਾਨਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਔਰ ਸੜਕੋਂ ਕੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਕੂੜੇ ਕੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸਭੀ ਕਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਮੰਗ ਪਰ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਂ ਰੱਖਣੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇ ਸਭੀ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਓਂ ਨੇ ਉਨਕਾ ਆਭਾਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਸਤੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਐਕਸੀਐਨ ਰਾਜੀਵ ਵਾਸਲ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਲੈਗ ਆਊਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਪੇਸ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਿਦਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਵਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਏਕਦਮ ਤਰਤੀਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੀਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਕੂਲ ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਰਦ ਵਿਆਸ ਸੰਵਾਦ ਪਾਂਡਵ ਚਰਿੱਤਰ ਏਵਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁਕ ਦੇਵ ਆਗਮਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਈ। ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਵਿਆਸ ਸ਼੍ਰਧੇ ਆਚਾਰਿਆ ਗੌਰਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਮਨੋਹਰ ਬਰਨ ਭਜਨ ਸੁਣਾ ਕਰ ਕੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਚਾਰਿਆ ਗੌਰਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਗਰ ਭਲੇ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਾਗਰ ਕੀ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜਾਗਣਾ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਰਜਾ ਮੇਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਚਾਰਿਆ ਗੌਰਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਕੇ ਬੀਚ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਆਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦੀਏ ਗਏ ਆਮੰਤਰਣ ਕੋ ਸਵੀਕਾਰਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕਾ ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹੇ ਮੰਦਿਰ ਮੇਂ ਆਨੇ ਕਾ ਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਨਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਆਏਂਗੇ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਭਾਗਵਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਵਿਆਸ ਪੀਠ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਸਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਕੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ,
सचदेवा साड़ी से हरीश सचदेवा ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अध्यक्ष ब्रिजेश जुनेजा, प्रधान सुनील नैयर, उप प्रधान एडवोकेट उमेश ओहरी, महासचिव संदीप मलिक, कोषाध्यक्ष चंदन वडेरा, उप कोषाध्यक्ष ब्रिज मोहन चड्डा, विशेष सलाहकार महेश मखीजा, सह सचिव नरेंद्र वर्मा, बलविंदर शर्मा, रिंकू मल्होत्रा, संजय सहगल, भूपिंदर सिंह बिल्ला, अश्विनी कुमार आशु, अंकुश जुनेजा, विकास ग्रोवर, राहुल बाहरी, राजवंश मल्होत्रा, राजेश बीगामल, तरुण सरीन, अरुण मल्होत्रा, दविंदर अरोड़ा, राजकुमार शर्मा, जितेंद्र कुमार सोनू, हेमंत थापर, विनोद खेड़ा, सुमित गोयल, सोनू चोपड़ा, दविंदर वर्मा, राजू मखीजा, शिवम मखीजा, अजय लाली, सौरभ शर्मा, अर्जुन मल्होत्रा सहित बड़ी संख्या में प्रभुभक्त शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और पवन कनोचिया की रिपोर्ट। Oh,
शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। शीतल वीर जी दे जिन्हों के प्यार का सदका कि उन्होंने बनाए हुए चैनल तो हर घर के माँ के इस दरबार का प्रोग्राम ही नहीं, हिंदुस्तान के सारे धार्मिक जिन्हें भी स्थल ने उन्हों का प्रोग्राम दैनिक सवेरा टीवी पर तुम देख सकते हो। माँ त्रिपुरमाली दरबार का प्रोग्राम और इस दरबार का प्रोग्राम भी तुम घर बैठे ही दैनिक सवेरा टीवी पर देख सकते हो। मैं महाराणी जी अगे बेनती करूँगा कि साडे वीर नूं इसे तरह तरक्की देवे ताकि इस मां के दरबार की सेवा जिमें कर रहे हैं उस तरह करते रहन। तो आओ मेरे वीर ढिल्ला जी मां के चरणों में अपनी हाजिरी। ओ चैन मन में जगे ना हो तो लो, चैन मन में जगे ना हो तो युगल चरण में ले लो रा, ले लो रा मुझे अपनी चरण में ले लो रा।
चले आओ, सरकार चले आओ, एक बार चले आओ, सरकार चले आओ। शिवपुरी धाम किशनपुरा जालंधर में महारुद्राभिषेक का आयोजन रुद्र सेना संगठन के संचालक दयाल वर्मा की ओर से किया गया। इस अवसर पर समाज सेवक सुदेश विज व उनके बेटे पीयूष विज ने विशेष रूप से शिरकत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए दयाल वर्मा ने कहा कि हिंदू शास्त्रों में किए जाने वाला रुद्राभिषेक एक प्राचीन सनातनी धर्म अनुष्ठान है। रुद्र शब्द भगवान शिव के तांडव रूप को दर्शाता है और पूजा उनकी की गई साधना को। इस अनुष्ठान को करने से उपासक को आंतरिक शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। इस अनुष्ठान में भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा की जाती है जो कि सभी बुरी शक्तियों और बुरी ऊर्जा का सर्वनाश करती है। इस मौके पर सुदेश विज ने कहा कि कई पुराने शास्त्रों में लिखित है कि रुद्राभिषेक अनुष्ठान ग्रहों के हानिकारक दोष का निवारण करता है। इस मौके पर अमित वर्मा, सुनील कुमार, केतन, मोहित शर्मा, करण गंडोत्रा, शेखर आनंद, दिनेश कुमार, सुरेंद्र बाबा, कुणाल शर्मा, आशु पंडित, दिनेश पंडित, सोनू यादव, सुरेश कुमार, सनी, प्रदीप कुमार, सतीश कुमार, रिंकू, विकास खन्ना, विक्की ढल, राजू वालिया, पंकज जुल्का और राहुल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सारे इन्हों की रहनमाई च शिव जंगमा की रहनमाई च अज बहुत ही आनंद वरसिया। भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक किया गया। सारे ही भरावान ने दिलों इन्नी भगती च मंत्र मुग्ध हो गए थे। जो जंगमा ने या पंडित जी ने मंत्र इन्ने वधिया तरीके उच्चारण किए कि किसी पासे दीन दुनिया तो अच अलग हो गए। थोड़ी देर लई पता ही नहीं लगा कि असीं कित्थे बैठे हैं। शिवपुरी वैसे ही बड़ी शांत जगह होंदी है, भगवान भोलेनाथ नूं अति प्रिय है। तो उहदे करके असीं भी अज समाज तो विरक्त हो के, क्योंकि जदों आपां कदी भी किसी दे नाल जाने हैं शमशान च तो उत्थे जा के इहदा आना तो इत्थे ही है। कदे लई आपां इन्ने गलत काम करते हैं, परिवार नूं पालन लई उल्टे सीधे काम करके कई हाले वसीले करते हैं, लेकिन अंत च तां राख दी ढेरी होना वा। सो उस जगह ते जदों आ जाने हैं, उस जगह ते जदों असीं पूजन करते हैं ते उहदा फल भी हज़ार गुणा नहीं लखा गुणा ज़्यादा मिलता वा। आस्ट्रेलिया बैठे बच्चों नूं भी अज दिखाई ये सारा उत्थे दर्शन होए उन्होंने भी। और मैं सारा श्रेय इन्हां नूं भोलेनाथ उहदी अपार कृपा, माता पार्वती गौर जा माता दी, गणपति गणेश की, कार्तिकेय भगवान की, नंदीगण बाबा जी। मैं आशु मल्होत्रा और आज जैसे भाद्रपद की मासिक शिवरात्रि है और जिस स्थान में इसको हम कर रहे हैं, शिव पुराण में लिखा गया है कि पूरी पृथ्वी पर एक जगह ऐसी है जहाँ पे माया नहीं है, वो शमशान है। तो यहाँ पे जो किया हुआ रुद्राभिषेक, मेरे भाई दयाल जी जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है, सनातन धर्म को बचाने की ज़रूरत है, अपने लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि इस पूजा का क्या महत्व है। तो शिव की एक वाणी है, वो आपसे मैं साझा जरूर करूँगा। शिव कहते हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं मैं आप में हूँ, और जब आपकी सांसें नहीं चल रही तो आप मुझ में हो। तो ये सच्चाई है ये स्थान की। यहाँ पे किया हुआ ये शिव का जो रुद्राभिषेक है वो कोटि कोटि हमें फल देता है। बखान क्या करूँ राखों के देर का, चुटकी बबूत में है खजाना कुबेर। तो लाइनों में ही माँ काल की सब आ गई है। जय माता। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर रामा मंडी फ्लाईओवर के नीचे उतरते हाईवे पर अज्ञात वाहन ने एक युवक को मारी टक्कर, हुई मौत। जालंधर के सैदा गेट में चोरों ने एक रात में 5 दुकानों को बनाया निशाना, लाखों रुपयों का सामान व नकदी चोरी कर हुए फरार। मोगा में नशे की ओवरडोज से एक युवक की हुई मौत, पारिवारिक सदस्यों ने शव को मोगा बरनाला हाईवे पर रखकर किया प्रदर्शन। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।